हेलो, क्या हाल चाल? वेलकम बैक सबका दोबारा से एक बार केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स के पार्ट 5 में। तो हम ये स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। ये वाला पार्ट है जो सा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमें ये चार चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर करनी है। रिस्टोर द वाटर श्राइन, फिशिंग श्राइन, वुड श्राइन, गॉड ट्री श्राइन, और उसके बाद जाना हमें यहाँ पे येलो पार्ट पे, टारोज लव पे। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है एपिसोड हमारा शायद से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करना स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? डायमंड्स और डायमंड्स, अरे नहीं, ये कंफ्यूज कर देती है भाई गेम। मेरे ख्याल हम पहली जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे फाइट वगैरह होनी है। अरे शील्ड इन दबरी, एक शॉट में डेड हुआ है। ओए ना, जितने जोर से मारेंगे उतने जल्दी डैमेज होने वाला। फाइट के बाद हम थोड़े से अपग्रेड वगैरह भी करने पड़ेंगे यार, मैं भूल गया था अपग्रेड के बारे में। एक कार्मा वगैरह जब तक कलेक्ट कर रहे थे तो उसमें हमारे पास अपडेट के कुछ इकट्ठे हो गए थे। और ये वो मरा नहीं, ये थोड़ा सा बड़े वाला था। अरे बढ़िया, चलो भाई चार में से एक पार्ट तो क्लियर होता हुआ हमारा, तीन बचे हैं। और हमारा पानी भी साफ हो गया, वहाँ पे पूरी रिवर थी साफ हो गई। डायमंड्स मिल गए हमें, थोड़े से चेक कर लेते हैं एक बार, अपग्रेड्स की तरफ भी चल के देखते हैं। यहाँ पे ये थे ना रॉट हैमर, अपग्रेड कर सकते हैं इजीली भाई, हमारे पास अच्छा खासा कारमा है यहाँ पे। एयर स्लैम ये भी कर सकते हैं हम। ये करने भी जरूरी है भाई, क्योंकि बो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से, अच्छा ये चीज हमने ऑलरेडी यूज करी थी, ये हमारी अनलॉक नहीं हुई, पर मिड मैच में कहीं ना कहीं ये चीज हो गई थी हमारे साथ एक बॉस फाइट लेते हुए। ये क्या चीज़ है? अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, ताकि बोझ भी आ जाए हमारी। एक और क्या है, हो गया क्या? अब शायद हुआ ना। ओ नाइस, रॉट मिल गया हमें। कितने रॉट्स हो गए टोटल हमारे पास? 18 और 35। चेस्ट खोलते हैं भाई, नाइस। हमें इसमें से हैट मिली है एक,
जैसे राइट साइड पे ना, हाँ डेड जोन है। ये पानी में कुछ करेक्टर आज ज्यादा स्लो हो गए या फिर मेरे को लग रहा है। अरे 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 इसको यहाँ रख लेते हैं पहले ही। ओ ठीक है। अच्छा एक और उन्होंने रखा ही नहीं है। वेव ट्रैवल तो हो गई है पर कहीं पे कनेक्ट हुई नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रखना है और उस वाले को यहाँ पे। हाँ लग तो यही रहा है। अरे इसके ऊपर खड़े होके करना है रे हमें। यस बिल्कुल हुआ। यहाँ पे तो कुछ फाइट करने का भी नहीं आया। फॉरेस्ट है, दो क्लियर हो चुके हैं, बहुत सही। थोड़ा सा दूर जाना है कहीं। डायरेक्शन तो यही लग रही है भाई। हाँ सही जा रहे हैं। अरे डायमंड्स मिल गए यार। ऊपर देखते रहना चाहिए हमें ना, दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ चमका राइट में। यहाँ रख देते हैं। अच्छा ये तो हम डायरेक्टली टारोस लव के पास पहुंच चुके हैं। हमें इस तरफ जाना है यार। यहाँ कहीं से रास्ता बन रहा है। अच्छा ये चीज़ यहाँ आएगी। एक और ये पड़ा है, चेस्ट मिली। रॉक का खाना नहीं, रॉट ही मिल गया हमें। नाइस। यप जा तो सही जगह रहे हैं। इसके ऐसे मारने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये चमक रहा है कुछ अलग से। एक और ठीक है, ये लोकेशन आ चुकी है। एक मिनट, मैं कैसा लगा कैंडल जली है वो। अरे भाई कितनी तेज हुआ। हाँ ये भी जली, ये नहीं जल रही। एक और जली। अरे एक दो तीन वाली शायद यही थे ना। तीन चार कॉम्बिनेशन शायद। यस इसमें भी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे भाई। एक रह गया और। यहाँ पे शायद चेस्ट वगैरह मिल सकते हैं। यस और ऑलरेडी चमक चुका है। अरे
are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. तारो मिला ये मछली वगैरह पकड़ते थे ऐसे। कार्मा मिल गया और अब हमें एक बस लास्ट रह चुका है उसके पास जाना है। वो मेरे ख्याल यहीं कहीं लग रहा है सामने, ज़्यादा दूर तो नहीं है। शायद सही जा रहे हैं हम। स्लो मोशन में वो मारना यार ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ मेरे को लग रहा है ये शायद वहीं कहीं कनेक्ट हो रहा है। अरे गिरा नहीं वो? हाँ वो रहा ना डेड जोन एरिया। वाह वो शिफ्ट ही नहीं दबा मेरे से, मुझे वापस से चढ़ना पड़ेगा इस पे। हाँ मतलब चलो छोटा ही है, ज्यादा दूर नहीं फेंका इन्होंने हमें। नाचेगा हमारे सामने है। अरे डॉज भी करने लग गया हमें। देखो कहाँ पे है भाई। अरे मर जाना चाहिए। यस वो तो मर गया, एक ही रह गया शायद से। डेड यस। हो ये थोड़ा तो मुश्किल होता जा रहा है भाई अब। बहुत अंदर यहाँ पे चल के देख लेते हैं।
फॉरेस्ट ईयर का तो ऑप्शन है। अरे इधर जाके देखते हैं पहले यार, यहाँ पे हमने देखा नहीं कुछ ऐसा ना, ना मिस कर जाए हम, कहीं रॉट मिलना हो हमें ना मिल पाए वो। नहीं ऐसा तो नहीं है, some believe the shrines represent guardians of the forest. चश तो मिल गई है। From up here, it's easy to imagine them watching over the land. इसे चेस्ट चमकती हुई दिख। ओह दो मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं ऊपर जा रहे हैं, पहले रॉड तो खाना। और हम इस जगह पे कितना घूम रहे थे भाई, यहाँ पे अरे वापस हमें सारी एक एक रखनी पड़ेगी। मेरे को था कि शायद से यहाँ पे पहले रख देंगे इसको। चलो पहले ये रख देते हैं, ऐसा ना हो इसको भी मिस कर देंगे। थैंक यू। ज्यादा रॉट्स हो गए थे, स्लो हो गए हैं, पहले फटाफट काम करते थे, आलसी बन गए हैं लोग। चलो भाई जल्दी रखो, हम तीसरे को भी लेके आए। 275 क्या है ये यार, ये झाड़ियों में घुस गए हैं। क्या बात है, हैट अवेलेबल, यही जगह है ना मेरे हिसाब से, लग तो यही रही है यार। अरे भाई यहाँ पे बहुत साइड चालू हो गए, ये भी सही है। स्प्राउट कैप्टन अरे मैं रॉट नहीं यूज कर सकते इसके ऊपर अभी। ओह ये एबिलिटी वापस यूज हुई यार, यही चांस है हमारा। यस भाई एबिलिटी बहुत अच्छी है। स्टाइल में खत्म करने का एक अलग ही मजा है भाई। ये उदास हो गए हैं, इनके एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो चलो रैली का एक और पार्ट मिल गया हमें। We leave offerings at the guardian tree, asking it to protect the ones we love. Tara left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders, skilled hunters who used spirit energy to create powerful weapons.
I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Relic discovered. Food offering. Taro's regret. Clear the corruption in the Lantern Cave. Oh, ये थोड़ा सा दूर है. अब हमें एक मिनट. हमारे पास यहाँ पे नहीं, इधर नहीं है. 22 रॉट हो चुके हैं हमारे पास. और ये सही है, बॉस फाइट पे कई बार हमें रॉट मिल जाते हैं अच्छे खासे. यहाँ से चलेंगे ट्रेवल करके, फास्ट ट्रेवल, और इस तरफ चलते हैं फॉरगॉटन फॉरेस्ट की तरफ. जहाँ से स्टार्टिंग करी थी ऑलमोस्ट उसे ऑलमोस्ट गया, वहीं पे पहुँच गए. अच्छा ठीक है, मैं समझ गया. यहाँ पे वही है जो ये शील्ड तोड़नी है ना हमें. और लो भाई यहाँ पे शुरू फाइट. अरे एक और बॉस फाइट. ओ अरे थोड़ा खतरनाक है. हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी. मुझे हेल्थ बढ़ानी थी उसको नहीं भाई. यहीं पे खत्म करना पड़ेगा वरना इसने टाइम वेस्ट करा देना हमारा. एंड बहुत सारा कारमा मिला हमें, शुक्र है. बढ़िया. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. कुछ ज़्यादा इज़ी नहीं तोड़ दिया? भाई अब हमें जाना है. चलो फिर चलते हैं. ये गेम प्ले थोड़ा सा बड़े होने वाला है पर आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है. अरे ये कौन से रॉट निकल गए इसमें से. अरे भाई ये क्या मजाक है. ये अलग चमक रहा है इसमें से. हाँ ये चमक करिए. हेलो जो चीज चमक रही थी उसमें से कुछ मिला नहीं हमें. डायमंड्स यहाँ पे. ये तो करप्टेड एरिया लग रहा है, यहाँ से तो जा नहीं सकते मेरे हिसाब से. यही ऑप्शन दिख रहा है एक. ठीक है. अरे तो सीधे ही क्लियर हो गया. ये वापस कनेक्ट ही होगा. फॉरेस्ट हियर.
कार फॉरेस्ट है। अरे यूज नहीं कर पा रहे। दो तो हमने यूं ही खत्म कर दिए इससे। आगे कवर क्लियर करना पड़ेगा यार। बहुत सारे डायमंड्स हो गए हमारे पास। ये क्या रास्ता? अरे भाई कितने डायमंड्स मिले? ये थोड़ा सा ज्यादा डरावना होता जा रहा है भाई। एक तो केव में वो भी पूरी करप्टेड। कहाँ जाना चाह रहे हैं? भाई साहब एक और बॉस फाइट आ गई यहाँ पे। श्राइन गार्डियन चले। अरे छोटे छोटे कदम करने पड़ेंगे हमें, हम उनको मार पाएंगे भाई। क्या कर दिया हमने? यूज तो किया ऐसे ही। ये वीक पॉइंट होते हैं काफी। हेल्थ तो काफी लो कर दिया हमने। बस ये अपना काम हो। बढ़िया इस पार्ट में हमारे दो बॉस आ गए हैं भाई। दो तीन बॉस से फाइट करिए, दो से तीन बॉस से। तीन तो है कम से कम। हमें को ऐसा लग रहा है हमें एक और रेलिक मिल गया है। यस फ्री टारो, यूज द रेलिक्स टू फ्री टारो। अरे भाई क्या बात है, हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। रेलिक डिस्कवर्ड लैंटेन 26 रॉट, अच्छे खासे रॉट हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ चमका था भी। हाँ एरियन चेस्ट चेक कर लेते हैं। अरे एक और चमका रे। फिर ऐसा करते हैं, हमारा जो ये पार्ट 5 है इसको हम यहीं एंड करते हैं। और जो यहाँ पे ऑप्शन है ना फ्री टारो, हम वहाँ पे पार्ट 6 पे चलेंगे। तो इस वाले पार्ट 5 को हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे पार्ट 6 से आप, क्योंकि मैं भी भाई बहुत एक्साइटेड हूँ टारो को फ्री करने के लिए। और जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों को गेम में बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितने बंदे कह रहे हैं कि हमारा भी खेलने का मन कर रहा है ये गेम। गेम बहुत अच्छी है भाई, सच में वर्थ है ये गेम। तो थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए। सबको गुड बाय, टेक केयर, टाटा, ध्यान रखना। नए पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे।